बिस्मिल्लाह रहीम uh, हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं बल्कि इस सीरीज़ का ये जो है मैंने पहले ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन के जो है ना रिकॉर्ड किए थे लेकिन देन आई रियलाइज कि मैं यानी uh, कि पहले जो है uh, जो सब स्टार्ट हुआ था एम सी क्यूज़ दो हज़ार नाइन में तो पहले वो मैं बनाऊँ और वहाँ से फिर फिर Uh, 2010 एंड देन गो ऑन तो इसी वजह से जो है वो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि पहले मैं 2009 का रिकॉर्ड करूं और उसी को जो है मैं पोस्ट करूं ठीक है तो हमारे पास ये जो है थोड़ा सा मैंने इसको छोटा लिखा था कि शायद सवाल आ जाए बट क्वाइट यानी कि 10 क्वेश्चन जो है फाइव इधर एंड फाइव इधर इससे अगर ज़्यादा जो है मैं करता हूँ तो कंजस्टेड हो जाती है शिवा से मैंने थोड़ा सा स्टैंड को जो है क्लोज uh, किया है अच्छा जी स्टार्ट करते हैं 2009 का पेपर है कराची बोर्ड का क्वेश्चन नंबर वन या पार्ट वन है ठीक है और पहला ये एमसीक्यू कहता है आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री क्या होता है हम बहुत सारा जो है ना वो पीछे के लेक्चरों में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम uh, स्टेटमेंट जो है uh, हम बना चुके हैं और, और हमको मालूम है कि अगर बिगनिंग इन्वेंट्री में पर्चेज ऐड करें और माइनस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री को ठीक है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आती है ये बहुत डिटेल में हम जो है ना अभी पढ़ चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम एक्सपेंसेस निकलते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है ठीक है नेट सेल तो ऑल अलोंग है नेट सेल ग्रॉस सेल में से अलाउंस एंड डिस्काउंट निकाला जाता है तो नेट सेल आती है सही है जी इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो बिगनिंग इवेंट्री परचेज माइनस एंडिंग इवेंट्री हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी ओके इसको मैं टिक कर देता हूँ यहां पे अच्छा सेकंड परचेज जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड परचेज जर्नल में हम क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं रिमेंबर सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल सही है ये आप पढ़ेंगे बाद में हो सकता पढ़ लिया हो आपने तो सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल जो है उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग की जाती है और परचेज जर्नल में परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेज़ की रिकॉर्डिंग की जाती है बाकी इन दो जर्नल का कोई यूज़ नहीं है रिम्बर ठीक है और इसी की वजह से फिर कंट्रोल अकाउंट का कंसेप्ट आया एक सेल्स जर्नल में जो है आप कंट्रोल अकाउंट बनता है अकाउंट पे का कंट्रोल अकाउंट और नहीं क्या होता है परचे हाँ परचेज जर्नल में अकाउंट पे बिल का कंट्रोल अकाउंट बनता है और सेल्स जनरल के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट बनता है सही है तो ये जब हम करें करेंगे परचेज जनरल और स्पेशल जनरल तो फिर हम उसमें यहाँ पे देखेंगे अब ये कहता है कि परचेज जनरल इज़ यूज टू रिकॉर्ड परचेज जनरल इस्तेमाल किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स नो ठीक है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स जब भी होता है वो थ्रू जो है कैश बुक या बैंक बुक के थ्रू होती है उसकी रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश नो कैश हमेशा जो है अगर कैश पर कोई भी लेन देन होगा तो वो कैश बुक में या बैंक बुक में उसकी रिकॉर्डिंग होती है परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ऑफ कोर्स यस क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जर्नल जनरल क्योंकि बनाया जाता है परचेज जनरल बनाए ही इसलिए जाता है कि हम क्रेडिट परचेजेस को एक जगह पे जो है ना रिकॉर्ड कर लें इससे हमें जो है पोस्टिंग में आसानी होती है हमें Uh, वो जो एरर डिटेक्शन होती है उसमें आसानी होती है क्योंकि सही आसानी होती है वो बात की बात है क्योंकि नहीं तो परचेस जो है ऑन क्रेडिट यहाँ पे लिखा है परचेस ऑफ मर्चेंडाइज बोथ ऑन क्रेडिट एंड सेल्स तो बोथ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हम बता चुके हैं कैश की पर्चेज जो है वो कैशबुक में जाती है क्रेडिट की जो परचेजेस होती हैं वो परचेज जर्नल में जाती हैं ठीक है तो राइट आंसर इज दिस अलाउंस फॉर बैड डेट बी ऑब्लिक डी अकाउंट्स कभी कभी जो है बैड डेट्स पूरा नहीं लिखता और ये बी ऑब्लिक डी लिख देता है तो जहन में रखना अलाउंस फॉर बैड डेट्स बी ऑब्लिक डी अकाउंट्स इज क्या होता है अकाउंट्स क्या एसेट अकाउंट होता है एसेट अकाउंट नहीं होता लेकिन एसेट अकाउंट से लिंक होता है ठीक है क्या लाइबिलिटी अकाउंट होती है ऑफ कोर्स नॉट क्या एक्सपेंस होता है बिल्कुल नहीं सही है ये अलाउंस फॉर बैड डेट होता है कंट्रा एसेट अकाउंट कंट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है कि ये एसेट की जो वैल्यू होता है सही है उसको डिक्रीज करता है कंट्रा करता है तो इस वजह से इसको एसेट का कंट्रा अकाउंट खिलाया जाता है और वो एसेट कौन सा होता है जिसकी अकाउंट को ये कंट्रा करता है वो होता है अकाउंट ठीक है अकाउंट का ये कंट्रा है बेड अच्छा जी आवाज आ रही थी मैंने कहा कि कहीं से सारी अच्छा नंबर फोर क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड क्लोजिंग एंट्रीज कब रिकॉर्ड की जाती है क्या अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में रिकॉर्ड की जाती है नौ no, बिल्कुल नहीं क्योंकि लफ्स क्लोजिंग है तो शुरू में तो आ ही नहीं सकती वेन अ न्यू अकाउंटेंट ज्वाइन द फर्म ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अकाउंटेंट तो आते रहते हैं जाते रहते हैं तो वो एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग एंट्री नहीं बिल्कुल नहीं ऐट दी एंड ऑफ द एउंटिंग पीरियड यस हम क्लोजिंग प्रोसेस पढ़ चुके हैं और उसको समझ सकते हैं तो ऐट द एंड ऑफ द एउंटिंग पीरियड क्लोजिंग एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और चौथा है नन ऑफ दिस ये तो है ही नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता ठीक है क्लोजिंग एंट्रीज का जो है ना मेरा लेक्चर्स जो है न तीन लेक्चर हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा प्रोसेस प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगा और इसका मतलब भी इफ कमीशन रिसीव्ड अगर कमीशन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू बीस हजार रुपये यानी कि कमीशन इनकम में यानी कि रिसीव इनकम रिसीव में जो इनकम में रिकॉर्ड कर लिया है तो बीस हजार है और कमीशन एट द ईयर एंड और कमीशन एक्रूवड है सही है एक्रूव का मतलब है मिला नहीं है क्योंकि यहाँ इनकम की बात हो रही है तो आपको रिसीव नहीं हुआ तो इनकम एक्रूड एक्रूड दोनों में इस्तेमाल होता है रिसीवेबल में भी और पे बिल में भी जस्ट यानी कि गो ऑन टू माई एडजस्टमेंट के ऊपर जो लेक्चर हैं आई थिंक ट्वेंटी सेवन है ट्वेंटी सेवन लेक्चर से जो है ना उसमें ये बयान किया गया देख एक्रूड एट ईयर एंड पाँच हजार रुपये वट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन फॉर द ईयर कमीशन हमको मिला पूरे साल में आप रिकॉर्ड करते चले गए ठीक है कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट तो कमीशन इनकम के अकाउंट में मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर को बीस हजार रुपए था लेकिन जब आपने कैलकुलेशन की आपको भी पता चला <coughs> कि 5000 हजार अभी मजीद कमीशन पिछले साल का 2022 का आपको लेना है जब लेना है तो उसको रिकॉर्ड करना है यानी कि कमीशन रिसीवेबल आप रिकॉर्ड करेंगे है कमीशन रिसीवेबल ये आप डेबिट करेंगे और कमीशन इनकम को आप क्रेडिट दे, दे देंगे जब कमीशन इनकम को आप क्रेडिट देंगे कितने से पाँच हज़ार से तो इनकम आपकी बीस हज़ार और प्लस पाँच हज़ार ठीक है बीस हज़ार और प्लस पाँच हज़ार से बढ़ जाएगी तो इनकम हो जाएगी आपकी पच्चीस हज़ार ओके तो दिस वन इधर आ रहा है हाँ अच्छा उसके बाद नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ शोन इन इनकम स्टेटमेंट कौन सी जो है ना नीचे जो दिए हुए हैं इनकम स्टेटमेंट में शो होते हैं क्या प्रीपेड सैलरीज प्रीपेड का लफ्ज़ ही जो है ना यह है कि एडवांस और ये बैलेंस शीट में जाता है क्या एकट सैलरीज मतलब का मतलब है कि पे बिल ठीक है और पे बिल का मतलब है कि ये बैलेंस शीट आइटम है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा क्या सैलरीज पेड और सैलरीज एक्सपेंस यहां पे दो चीजें हैं सैलरी पेड ये भी जो है ना इनकम स्टेटमेंट का जो है आपका आइटम है और सैलरीज एक्सपेंस ये भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है तो इन दोनों में फर्क क्या है इन दोनों में फर्क वही है कि यहां पे जो था कि कमीशन रिसीव्ड और कमीशन रिसीवेबल तो टोटल तो आपने किया तो यहां पे भी, भी सैलरी पेड आपने सैलरी पेमेंट कर दी दिसंबर तक लेकिन दिसंबर की जो सैलरी होती है अमूमन पंद्रह जनवरी तक जो है ना पेमेंट होती है उनकी ठीक है तो सैलरी पे बिल होगी नॉट पेड तो सैलरी पेड फ्रॉम जनवरी टू तो दिसंबर ग्यारह महीने की जो भी आपने पे की होंगी वो और प्लस दिसंबर की पे बिल ठीक है उसके अंदर पे बिल शामिल होगा तो सैलरी एक्सपेंस आपका पूरा आएगा पेड यानी का होल ईयर जो आपने पे किया है और प्लस नॉर्मली दिसंबर की पेमेंट जो है जनवरी में की जाती है नेक्स्ट ईयर की जाती है तो वो भी तो पे है ना वो भी तो एक्सपेंस है और किस साल का एक्सपेंस है पिछले साल का एक्सपेंस है इस साल पेमेंट हो रही है तो इेस्पेक्टिव कि पेमेंट कब हो रही है हमें यह देखना है कि एक्सपेंस किस पीरियड का था एक्सपेंस पिछले साल का था तो उस पीरियड में जितना आपने पे किया था और प्लस जितना आपको पे बिल था ठीक है यहां पे मैं लिख देता हूं कि सैलरी पेड प्लस सैलरी पे बिल ठीक है ये होता है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द पीरियड होता है तो इस वजह से जो है सालिस एक्सपेंस जो है वो आपका राइट right आंसर है अब यहां पे आते हैं ओके okay? क्या टाइम होगा ओहो बारह मिनट हो गए सेवन द पर्पज ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द एक्यूरेसी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री आप जो कर रहे हैं आप जनरल से में पहले एंट्री करते हैं जनरल कहलाता है, है आ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है ना वहाँ आप करते हैं वहाँ से फिर आप पोस्टिंग करते हैं फूटिंग करते हैं कॉस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में उस उन तमाम लेजर अकाउंट से आप जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं इट इज़ नथिंग इट इज़ जस्ट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ योर बुक कीपिंग जो आपने बुक कीपिंग की है बुक कीपिंग वर्क किया है सही है ना पोस्टिंग की है रिकॉर्डिंग की है ये सारी उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी वो चेक कर, करता है ट्रायल बैलेंस तो यहाँ लगा दूंगा ठीक है फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बैलेंस शीट दिखाती है ओके और शो परफॉर्मेंस ऑफ ए बिज़नेस परफॉर्मेंस ऑफ ए बिज़नेस से मराज होती है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं यह आपको इनकम स्टेटमेंट शो करती है तो ये दो तो नहीं है अर्थमेटिकल एक क्योंकि ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है ट्रायल बैलेंस से ही आपकी बैलेंस uh, शीट बनती है और ट्रायल बैलेंस से ही आपकी इनकम uh, स्टेटमेंट बनती है तो जाहिर है जब तक ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट नहीं होगा तो चीज़ें आगे एक्यूरेट नहीं होंगी आठवां दी पर्पज़ ऑफ कंट्रोल अकाउंट कंट्रोल अकाउंट का मकसद क्या होता है क्या कैलकुलेट करना है सेल्स एंड परचेज नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं क्या ट्रायल बैलेंस क्या ट्रायल बैलेंस बनाना है न ऐसी भी बात नहीं है वो तो ट्रायल बैलेंस के एक छोटा सा हिस्सा होता है पार्ट होता है बाकी ट्रायल बैलेंस में पता नहीं कितने सैकड़ों जो है ना अकाउंट होते हैं क्योंकि कंट्रोल अकाउंट तो आ, मैंने अभी पहले बताया है कि या तो सेल्स जो आप क्रेडिट सेल्स करते हैं उसका होता है या आप क्रेडिट परचेज करते हैं उनका होता है इन दो अकाउंट का कंट्रोल अकाउंट होता है सही है तो तो फिर क्या क्या एरर को प्रिवेंट करने के लिए एरर तो प्रिवेंट हो ही नहीं सकती सही है एरर तो होनी ही होनी है तो ये तो को... हाँ कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर जो, 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 जो अभी हम एरर्स पढ़ेंगे तो कंप्यूटर अकाउंटिंग आने के बाद बहुत सारी एरर्स जो है ना वो एलिमिनेट हो गई हैं वो नहीं होती हैं एग्जिस्ट नहीं करती हैं लेकिन हमारे जाहिर है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हर, हर बिजनेसमैन तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं करता है सही है ना तो मेरे ख़्याल में कोई डेढ़ दो करोड़ जो है ना बिज़नेस लोग हैं जो काम कर रहे हैं उसमें तकरीबन जो है पच्चीस परसेंट चलिए पचास परसेंट जो है ना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं पचास परसेंट तो अभी जो है ना वो खाते चला रहे हैं ना सही है तो प्रिवेंट एर एर तो प्रिवेंट हो नहीं सकता है फिर क्या है अगर कोई गलती हो जाए देखें आ, जो अकाउंट्स क्रेडिट परचेज होती हैं वो एक बहुत बड़ा जो है ना हिस्सा होती हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड का क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ठीक है और अगर ये इस इसको जो है ना हम इसमें कोई एरर है और वो हम बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर लें तो समझ लीजिए कि आपका 50 परसेंट जो है आ, ट्रायल बैलेंस का काम जो है वो हो जाता है सही है तो ये फ़ौर जो है ये जो कंट्रोल अकाउंट होता है ये फ़ौर यानी कि बहुत जल्दी आपको ये बता देता है कि एरर कहाँ पे लोकेट करना है सही है जब हम पढ़ेंगे कंट्रोल अकाउंट तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मकसद क्या था मैं क्या कहना चाह रहा था या किताबों में क्या लिखा हुआ है सही है तो एरर जो है ना क्विकली हमको एरर पता चल जाता है जब हम बनाते हैं कि कंट्रोल अकाउंट अकाउंट्स पे कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है और फिर कंट्रोल अकाउंट तो बना दिया आपने मिसाल के तौर तो पर दस करोड़ का जो है ना कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है ये रखा हुआ है जहाँ पे दस करोड़ का अब ये तो बता दो कि इस दस करोड़ की बाइफ्रिकेशन कैसी है कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं तो फिर उसके सब्सिडरी अकाउंट जो है ना निकलते हैं कि जितनी कंपनियां हैं ए टू जी जितनी कंपनियां हैं उसका जो है सब्सिडरी रिकॉर्ड जो है ना वो आपको पता चलता है कि दस करोड़ का जो है सब्सिडरी जो है लेजर्स जो है वो ये हैं उसकी पार्टीज़ ये हैं अगर 10 करोड़ कंट्रोल अकाउंट है और पार्टीज का जो आपने प्लस किया वो आ रहा है नौ करोड़ पता नहीं दस करोड़ से कम आ रहा है तो फौरन आप पिक कर लेंगे कि भाई एरर कहीं नहीं है एरर इधर है कंट्रोल अकाउंट में तो कंट्रोल अकाउंट को जो है ना चेक करो फौरन उसकी पोस्टिंग वगैरह चेक करो और मैं भी बता चुका हूँ कि जहाँ बड़े आ, इदारे हैं वहाँ पर ये चीज़ें अब ये एरर्स होते नहीं हैं सही है ये थोड़ा सा लंबा हो गया बहरहाल Uh, to find the error quickly. Which of the following is correct? जब हम करेंगे सही है ना control account तो फिर और आपको wazeh हो जाएगा चीजें Which of the following is correct? करेक्ट कौन सी है क्या एसेट बराबर है liability प्लस ऑनर equity? ऑनर सिक्योरिटी को हम कैपिटल भी कहते हैं या liability बराबर है एसेट प्लस ऑनर equity? या ओनर्स इक्विटी बराबर है एसेट प्लस लाइबिलिटी या एसेट बराबर है लाइबिलिटी माइनस ऑनर्स इक्विटी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है एक्चुअली ठीक है ये है अकाउंटिंग इक्वेशन एकाउंटिंग इक्वेशन हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है लेक्चर जो है अकाउंटिंग लेक्चर वन से मेरे ख्याल में दस पंद्रह लेक्चर हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं और उसके बाद भी जो है फिरोज साहब की कि किताब से जो है ना चैप्टर टू में हमने बहुत उसको जो है ना देखा तो है तो अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक ये सवाल हैं और अकाउंटिंग कहती है कि एसेट बराबर होता है लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के ठीक है जी तो इधर उधर डामोडोल होने की ज़रूरत ही नहीं है बस ये आप जो है ना याद रखें और हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रूफ भी कर चुके हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का जो लेक्चर है मेरा वो देख लीजिएगा अच्छा जी इट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी क्या मशीनरी क्या लाइबिलिटी है और नहीं भाई ये तो एसेट है अच्छा ओनर्स कैपिटल क्या लाइबिलिटी है नहीं ये इन्वेस्टमेंट बायदा होना होनर है लाइब्रेलिटी नहीं है दो तो फिर मैं कह रहा हूँ लाइबिलिटी है लेकिन लाइबिलिटी किस सूरत की है जो बिज़नेस ख़त्म होगा वाइंड अप होगा तो ये लाइबिलिटी पे होगी डूरिंग द बिज़नेस यानी कि जितना भी जो है पीरियड है चाहे पचास साल का हो यह कैपिटल पड़ा रहेगा ये लाइब्रेलिटी पड़ी रहती है तो इस वजह से इसको इस इंटरनल लाइबिलिटी को अलग रखते हैं ठीक है तो ओनर्स कैपिटल नो नॉट रिसीवेबल ये तो हैसेट करेंट एसेट है क्या लोन एग्जैक्टली लोन आप किसी से भी लेते हैं तो वो ये लाइबिलिटी होती है और वो आपको सूनर और लेटर पेमेंट करनी पड़ती है ठीक है जाहिर है आप मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लोन ले सकते हैं मैक्सिमम पीरियड दस साल दस साल के लिए लॉन्ग टर्म लोन आप ले सकते हैं या डिपेंजर लिया तो वो पंद्रह साल के लिए डिपेंजर दस साल या दस साल से ऊपर की लॉन्ग टर्म होता है वो ले सकते हैं आप तो वो लेकिन टाइम कम्स कि आपको लोन पे करना है ठीक है ऑनस्ट कैपिटल में टाइम कभी नहीं आता टाइम कब आता है जब बिज़नेस को वाइंड अप करना है बिल्कुल क्लोज कर देना है वो टाइम होता है तो वो तो हिस्सा ही नहीं है लोन आपको फोर्सली पे करना है यू हैव टू पे ये लोन है सही है आपने कर्जा लिया था आपने पे करना है पाकिस्तान में तो पे नहीं होता है माशाल्लाह लेकिन बाहर के ममालिक में पे होता है चाहे आप क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेस करें उनके लॉस मारवेलिस हैं अगर आप पढ़ें उनके नेट के ऊपर आप तलाश करें जो आ, मतलब वो वो केसेस पढ़ें जिन केसेस के अंदर जो है ना इस किस्म के फ्रॉड हुए हैं लोन की अदायगी नहीं हुई और बड़ी बड़ी कंपनियां वाइंड अप हो गई ठीक है जी चल लेक्चर थोड़ा सा हाँ बस सही है तो इसको वाइंड अप करते हैं लेक्चर को और फिर फर्दर जो है इसके आ, जो मज़ीद एम सी क्यूज़ हैं उसको करते हैं हम ओके भैया अल्ला हाफि अल्लामक